दर्शन आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन आत्म ज्योति जगा ले हुई जगा कर ज्योति स्वराज फिर पाले आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन ओम शांति राजयोग शिविर प्रवचन माला में ये पहला सत्र स्वयं की पहचान अगले सत्र में जब हमने राजयोग का अर्थ देखा कि राजयोग अर्थात वह सर्वश्रेष्ठ योग जहाँ आत्मा का संबंध पिता परमात्मा के साथ हो परंतु ये संबंध संभव तब है जब आत्मा का भी संपूर्ण ज्ञान हो और पिता परमात्मा का भी संपूर्ण ज्ञान हो आत्मा का ज्ञान अर्थात आत्मा को तो हम सभी जानते ही है मानते भी है कि इस शरीर में एक चैतन्य शक्ति है जो इस शरीर को चला रही है ये शरीर हड्डी मांस का एक पिंजड़ा है और जब आत्मा ये शरीर छोड़ देती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है आत्मा का कभी विनाश नहीं होता ये सारा ज्ञान तो हमारे पास है और क्या जानना है जिसको हम नहीं जानते हैं राजयोग को इसीलिए कहा हुआ है कि ये एक अंतर जगत की यात्रा कराता है जिस यात्रा में अपनी संपूर्ण वास्तविकता का परिचय हो जाता है आज दुनिया के अंदर देखे कि मनुष्य ने जितनी भी तरक्की की है चाहे कोई भी क्षेत्र में विज्ञान के क्षेत्र में हो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो चाहे कंप्यूटर के क्षेत्र में हो या मैथमेटिक्स के क्षेत्र हो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र हो कोई भी क्षेत्र में मनुष्य ने ये तरक्की कब की संसार को जो सारी उपलब्धियाँ दी वो कब दी कि जब उसने मनुष्य आत्माओं को बाह्य जगत की यात्रा कराई और ये बाह्य जगत की यात्रा तब हो सकी बाह्यता की वास्तविकताओं को तब विकसित कर सके जब अपने मन को एकाग्र किया वो बाह्य चीजों पर तब उसकी तरक्की हुई साइंस का जो सिंपल लॉ कि भई ग्रेविटेशनल लॉ क्या है जिसके आधार पर कई थियोरीज बनी, विकास के कई माध्यम बने कि जब एक वैज्ञानिक ने अपने मन को एकाग्र किया कि वृक्ष के वृक्ष से जब फल नीचे गिरा तो वह नीचे ही क्यों आया उस बात को लेकर के जब उसने अपने मन को एकाग्र किया तो कई प्रकार की तरक्की का फाउंडेशन तैयार हो गया राजयोग वही अंतर जगत की यात्रा कराता है कि जहां हमें अपने मन को उस यात्रा में भीतर एकाग्र करना है जितना ही बाह्य संसार विश्व विशाल है इतना ही भीतर का संसार भी बहुत विशाल है आउटर स्पेस और इनर स्पेस कहा जाता है लेकिन ये इनर स्पेस कंप्लीटली अनएक्सप्लोर्ड है बाह्य जगत को एक्सप्लोर करने में इतना साल लग गया भीतर का जगत इतना विशाल है कि जिसके अंश मात्र को भी हमने अभी तक समझा नहीं है क्योंकि जो इन सब की फाउंडेशन हुए माई इसी बात को ही नहीं समझा है अपनी वास्तविकता क्या है उसको ही नहीं जाना है मोटे रूप का ज्ञान तो है हमारे पास लेकिन सूक्ष्म ज्ञान क्या है उसको हम नहीं जानते हैं यह जीवन जीवन भी एक योग है जहां शरीर और आत्मा का संबंध हुआ है मिलन हुआ है अकेली आत्मा है तो भी जीवन नहीं है अकेला शरीर है तो भी जीवन नहीं है जीवन अर्थात जहाँ शरीर और आत्मा का मिलन हुआ शरीर की वास्तविकता को हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह शरीर अर्थात क्या शरीर की वास्तविकता पांच तत्व है और इसीलिए शरीर जीने के लिए वही पांच तत्व को मांग करता है आज ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए क्यों चाहिए क्योंकि शरीर की बनावट में ऑक्सीजन है ऑक्सीजन अगर नहीं है तो उसके बदले में दूसरे कोई गैस नहीं चलते हैं ऑक्सीजन ही चाहिए इसी प्रकार प्यास लगती है तो पानी चाहिए शरीर मांग करता है पानी नहीं है तो डीजल कैरोसिन पेट्रोल नहीं चलता है क्योंकि शरीर की बनावट में 60 से 70 प्रतिशत पानी का हिस्सा है इंसान जब बहुत चल के आता है थक जाता है पसीना निकल जाता है वो पानी का लेवल कम हो गया तो आते ही कहता है बस पानी चाहिए जब पानी पीते हैं तो सोच के नहीं पीते हैं कि मुझे कितना पानी पीना है एक ग्लास पिया दूसरा ग्लास लिया जैसे ही भीतर का वाटर लेवल बैलेंस हो जाता है वो पानी का ग्लास अपने आप छोड़ देते हैं अर्थात शरीर वही पांच तत्व की मांग करता है जीने के लिए पांच तत्व में से एक तत्व भी कम हो जाए प्रकाश का तत्व कम हो जाए तो जी घबराने लगता है बेचैनी महसूस होने लगती है सफोकेट होने लगते हैं तो यह है शरीर की वास्तविकता इसीलिए कुदरत ने पांचों तत्व सभी को एक समान रूप से दिए हैं कुदरत ने कोई जाति भेद धर्म भेद भाषा भेद नहीं रखा जिस क्वालिटी का ऑक्सीजन पानी सब भारत में है वही क्वालिटी का ऑक्सीजन पानी आदि सब प्रकाश हवा सब कुछ अन्य देशों में भी है हर धर्म वाले को भी एक समान दिया है कुदरत ने कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखा है इसी प्रकार इस शरीर के अंदर जो चेतन शक्ति आत्मा है उस आत्मा की वास्तविकता क्या है शरीर की वास्तविकता पांच तत्व आत्मा को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए है कुछ मांग आत्मा की भी हां हर आत्मा को जीवन में शांति चाहिए सुख चाहिए और क्या चाहिए या सिर्फ सुख शांति मिल जाने से सब कुछ प्राप्त हो गया नहीं सुख शांति काफी नहीं है हर आत्मा को भी जीवन जीने के लिए सात बातें चाहिए शरीर को तो पांच तत्व ही चाहिए आत्मा को सात बातें चाहिए यही जीवन का अर्थ बन जाता है सात बातें सात गुण के रूप में है इसीलिए आत्मा को कहा जाता है आत्मा सतोगुणी है जो सात गुणों का एसेंस है शरीर पांच तत्व का एसेंस है आत्मा सतोगुणी स्वरूप है वो सात गुण कौन से कौन से शांति सुख प्रेम शक्ति ज्ञान शुद्धि और आनंद ये सात गुण आत्मा की वास्तविकता है इसीलिए इंसान कहने में भी कहता है सूखी रोटी चलेगी सादा भोजन चलेगा परंतु शांति चाहिए छप्पन प्रकार के भोग रखे हो परंतु खाते समय ही किसी ने अशांति मचा दी तो एक भी चीज अंदर नहीं जाएगी अर्थात भोजन जो शरीर के लिए आवश्यक है उससे भी अधिक आवश्यकता आत्मा को शांति की है इसी तरह इंसान कहता है कोई महल नहीं होगा चलेगा छोटा घर चलेगा लेकिन सुख से जीवन जीना चाहिए घर जो आवश्यकता है उससे भी अधिक आत्मा को सुख की आवश्यकता है महल हो सुख सुविधा के साधन उपलब्ध हो परंतु सुख न हो वो घर किस काम का इसीलिए कई बार कई लोग जीवन का अंत कर देना चाहते हैं सुसाइड करते हैं किसी सुसाइड करने वाले व्यक्ति से जाकर के अगर पूछे भाई तू तो सुसाइड करना क्यों चाहता है क्या कमी है तेरे पास यही कहेगा ईश्वर के कृपा से सब कुछ प्राप्त है लेकिन सुख नहीं है शांति नहीं है बहुत टेंशन बहुत दुख यह भी कोई जीवन होता है तो जीवन माना जहां सुख हो जहां शांति हो जहां आनंद हो जहां प्रेम हो आज लेडी डायना जैसी राजकुमारी को देखते हैं प्रिंसेस थी जीवन में कोई साधनों की वस्तुओं की कमी नहीं थी उसको कोई भौतिकता की कमी नहीं थी लेकिन क्या अपने जीवन में खुश थी क्या कमी थी उसको अपने जीवन में जीवन में प्रेम नहीं था जहां प्रेम नहीं था वहां सुख नहीं था वहां शांति नहीं थी तो उसने रॉयल्टी को ठुकरा दिया उस राजाई को ठुकरा दिया कि जहां मुझे सच्चा प्यार मिलेगा वहां मैं जाऊंगी तो जीवन माना जहां सुख हो शांति हो आनंद हो प्रेम हो यही जीवन है इंसान इसीलिए कहता भी है कोई चीज वस्तु नहीं चाहिए मुझे लेकिन प्रेम से दो शब्द तो बोलो इसमें कौन सा खर्चा लगता है अर्थात धन जो आवश्यक है जीने के लिए उससे भी अधिक आवश्यकता आत्मा को प्रेम की है जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है तो ये सात गुण ये आत्मा की वास्तविकता है क्यों चाहिए हमें शांति क्यों चाहिए हमें सुख क्यों चाहिए हमें आनंद ज्ञान भगवान के पास भी जाकर के प्रार्थना में हम यही कहते हैं हे hey प्रभु अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो संसार में ज्ञान की कमी नहीं है इतना ढेर ज्ञान है भारत में शास्त्र इतने ढेर है महापुरुषों की कमी नहीं है ज्ञान सुनाने वालों की कमी नहीं है फिर भी हम भगवान को कहते हैं अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु हमें सदबुद्धि दो क्यों इतने ज्ञान के पुस्तक होते हुए भी हमारे अंदर ज्ञान नहीं आया जो हम भगवान से रोज प्रार्थना में यही मांगते हैं किसी ने सही कहा है सारे संसार के अगर ज्ञान के पुस्तकों को, को इकट्ठा किया जाए और उसकी होली का जलाई जाए तो द हीट इज मोर देन द लाइट सही में आज यही हो गया है कि आज जो मनुष्य ने थोड़ा बहुत ज्ञान भी हासिल किया है वो ज्ञान ने गर्मी इतनी ज्यादा जनरेट कर दी है रोशनी नहीं आई है अर्थात अभिमान की गर्मी चढ़ गई है लेकिन प्रैक्टिकल व्यवहार में कैसे व्यवहार में आना है उसकी रोशनी नहीं आई है इसलिए कहा द हीट इज मोर देन द लाइट गर्मी ज्यादा है और इसलिए भगवान को कहना पड़ता है कि हे प्रभु अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो यानी ज्ञान हासिल करने के बाद भी अज्ञानता ही है क्योंकि रोशनी नहीं है इसी प्रकार भगवान के सामने जाकर हम कहते हैं हे प्रभु शक्तिहीन को शक्ति देना कौन सी शक्ति चाहिए हमें किसी के साथ युद्ध करने की नहीं आत्मशक्ति चाहिए विल पावर चाहिए वो शक्ति कहां से प्राप्त होगी क्या भगवान के पास रोज जाने से मांग लेने से प्रार्थना कर लेने से प्राप्त हो जाएंगी नहीं ऐसे शक्ति नहीं आती है शक्ति कैसे क्षीण हुई और आत्म शक्ति का विकास कैसे हो यह राजयोग सिखाता है इस अंतर जगत की यात्रा से ही इस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और भी भगवान के पास जाकर हम क्या कहते हैं हे hey, प्रभु शुद्धि दो कहाँ जाता है वेर देर इज क्लैंडलीनेस देर इज गॉडलीनेस जहाँ शुद्धि है वहाँ प्रभु का वास है इसलिए मंदिर जाते हैं तो नाह धो करके स्वच्छ होकर के जाएंगे लेकिन मंदिर में जाने के बाद क्या कहते हैं हे hey, प्रभु मैं तेरे द्वार पर तो आया हूँ लेकिन मेरा मन बड़ा मेला है उसको साफ कर देना शुद्ध कर देना भजन भी गाते हैं मैली चादर ओढ़कर आया रे द्वार तेरे प्रभु मैली चादर को कैसे साफ करना है मुझे नहीं आता है तन को तो मैंने साफ कर दिया है शुद्ध कर दिया गंगा स्नान करके आते हैं तन शुद्ध हो गया लेकिन मन शुद्ध नहीं हुआ और क्या सिर्फ गा लेने से भगवान शुद्ध कर लेगा क्या उसके लिए मुझे कोई पुरुषार्थ नहीं करना होगा कहा ही जाता है पुरुषार्थ पुरुष अर्थ आत्मा को पुरुष भी कहा जाता है और इस पुरुष अर्थ जो हम करते हैं कर्म उसको कहा गया पुरुषार्थ तो शुद्धि गा लेने से नहीं आ जाती है मुझे कुछ करना होगा और क्या करना है जिससे आत्म शुद्धि हो जाए मन शुद्ध हो जाए इसीलिए शुद्धि चाहते हैं कई बार मन इसीलिए परेशान हो जाता है क्योंकि जब खुद को देखने लगते हैं बहुत अशुद्धि नजर आने लगती है बहुत गंदगी भरी हुई नजर आने लगती है तो अपने आप से घृणा आने लगती है मैं क्या कर रहा हूं कैसे मुझे आत्मा की शुद्धि हो कई बार हम देखते हैं कई दो व्यक्ति की आपस में बहुत दोस्ती होती है कुछ समय के बाद देखो वो दोस्ती टूटी हुई होती है पूछो कि भाई आपकी बहुत दोस्ती थी क्या हुआ क्यों ये दोस्ती टूट गई तब कहते हैं बाद में पता चला कि इसका मन बड़ा शुद्ध था वो बाहर से तो सफाई दिखाता था लेकिन अंदर मैलापन था कितनी बार उसको कहा कम से कम तुम अपनी भावनाओं को शुद्ध रखो कम से कम तुम अपने मन को साफ रखो परंतु नहीं उसकी आदत ही ये थी इसलिए यह दोस्ती हमने तोड़ दी तो इंसान संबंधों में भी क्या चाहता है साफ शुद्धि क्यों शुद्धि चाहिए क्योंकि आत्मा की यह वास्तविकता है आत्मा असली स्वरूप में है ही शुद्ध इसीलिए उसको शुद्धि अच्छी लगती है जहां शुद्धि है वहां वो कंफर्टेबल है जब भी हम झूठ बोलते हैं क्या हम अपने आप में कंफर्टेबल महसूस करते हैं मन अंदर में मन कचोटता है मैंने झूठ बोला वो अच्छा नहीं लगता है आत्मा का वो नेचर नहीं है लेकिन बाद में हिर जाता है तो झूठ बोलते समय भी उसका मन कचोटता नहीं है मैला हो गया साफ होने का पुरुषार्थ यही है कि आत्मस्मृति को जागृत करो कि मुझ आत्मा का असली स्वरूप क्या है मुझ आत्मा का असली स्वरूप यही सात गुण है और जब मन को इसमें स्थित करते हैं तब जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इस जीवन की सर्वोच्च ऊंचाई आध्यात्मिक प्राप्ति अगर है वो है आनंद जिस आनंद को इंसान खोज रहा है भौतिक चीज वस्तु साधनों में मनोरंजन में परंतु सच्चा आनंद तब आता है जब जीवन में व्यवहार में संबंध में ये गुण विद्यमान हो तब आनंद की अनुभूति स्वतः जीवन में होने लगती है और यही जीवन का सार है कई बार कई महापुरुषों को देखते हैं इस बात की स्मृति रहे इसलिए वो नाम के साथ आनंद शब्द जोड़ देते हैं परंतु इस स्मृति के साथ अगर हर कर्म करे तब वो आनंद का अनुभव कर पाते हैं यही राजयोग हमें सिखाता है कि ये आत्मिक स्मृति को जागृत करो और इस आत्मिक स्मृति के साथ हर कर्म व्यवहार और संबंध में हम आए एक दूसरे के साथ क्योंकि यही आत्मा के ओरिजिनल गुण है हर आत्मा जब परमात्मा के धाम से संसार में आती है तो यह सात गुणों का स्वरूप होती है इसलिए जब बच्चा पैदा होता है कितना शुद्ध और पवित्र माना जाता है वो जब सोया होता है एकदम शांत कोई प्रकार का टेंशन नहीं है वो जब हंसता है उसके जैसा सुखी आनंद स्वरूप कोई नहीं है उस बच्चे को महात्मा समान ज्ञानी माना जाता है यही हम सब की वास्तविकता है यही जीवन की ब्यूटी है यही जीवन का सार है यही जीवन का मतलब है कि ये सात गुण हमारे जीवन में स्वरूप में आ जाए और तब जीवन जीने का जो आनंद है वह अनोखा अलौकिक होगा और इसके स्मृति स्वरूप जितना होते रहेंगे बार बार जैसे व्यक्ति को अपनी फिजिकल आइडेंटिटी की एक स्मृति रहती है मैं फलाना हूँ तो उसका उठना बैठना चलना बोलना सब वैसा होता है व्यवहार में आना उस ढंग से होता है इसी प्रकार जब हमें ये स्मृति जागृत रहेंगी कि मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप तो हमारे व्यवहार में ये स्वतः आने लगेगी इसलिए इंसान एक दूसरे से एक्सपेक्ट भी यही करता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस व्यक्ति से बस ये शांति से जिए और शांति से जीने दे ये सुख से जिए और जीने दे प्रेम से जिए और दूसरों के साथ प्रेम से व्यवहार करें परंतु फिर भी हम एक दूसरे को नहीं दे या ले पाते हैं एक्सपेक्टेशन रखते हैं ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे परंतु सोचने की बात है जीवन का कायदा ये है कि जो चीज़ हमें चाहिए उसे भी वही चाहिए हमसे और देने से ही प्राप्त होता है आप किसी को शांति दो सुख दो तो आपको भी रिटर्न में सुख ही मिलेगा आप किसी के साथ प्रेम से बोलो आपको रिटर्न में प्रेम से ही व्यवहार मिलेगा आप किसी के साथ गुस्से से बात करो आपको गुस्सा मिलेगा आप किसी के प्रति नफरत रखो आपको नफरत मिलेगी जो देंगे वही मिलेगा क्यों ना हम सब एक दूसरे के साथ इन सात गुणों के आधार पर व्यवहार करें हमें वही प्राप्त होगा और यही जीवन है यही जीवन का मतलब है तो राजयोग ये आत्मिक स्मृति को जागृत करने के लिए हमें ज्ञान देता है और यही आत्मा की वास्तविकता है इस वास्तविकता के लिए हर धर्म पिताओं ने भी यही संदेश दिया कोई भी धर्म को देख लिया जाए कोई भी धर्म की शिक्षाओं को देखे धर्म पुस्तक को खोलकर पढ़े किसी ने इसके अलावा और कोई संदेश नहीं दिया है हर एक ने प्रेम की बातें की है शांति की बातें की है सुख की बातें की है आनंद की बातें की है यही हर धर्म का सार है चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो सिख हो या ईसाई हो सभी धर्म पिताओं ने भी यही धर्म का संदेश दिया है यही जीवन का सार बताया है इसलिए जैसे कुदरत ने शरीर के लिए सब समान बना के दिए हैं परमात्मा ने हर आत्मा के लिए भी एक ही संदेश एक ही जागृति एक ही स्मृति हम सबको दी है o shan